हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग बहुत दिनों के बाद दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है उस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों शॉर्ट में सारा कुछ समझ लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आप स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में तो बता दूँ आपको दोस्तों जो नई वैकेंसी आई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि रेलवे की वैकेंसी है ठीक है इसमें बता दूँ आपको मैं कि कौन कौन से कितने पद निकाले गए हैं ठीक है तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इस इसके लिए दोस्तों जो डेट स्टार्ट हो गया है ओपन वो है आपका तीस जुलाई से स्टार्ट हो गया है और आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का है, वो है उनतीस अगस्त को लास्ट डेट है आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पर तो केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च और मेटलर्जी सुपरवाइज़र रिसर्च के लिए यहाँ पर दोस्तों जो कि वैकेंसी है सत्रह वैकेंसी यहाँ पर है और दूसरा दोस्तों जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल ठीक है सुपरिटेंडेंट केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट इसके लिए यहाँ पर सात हज़ार नौ सौ चौंतीस पद हैं सब मिला करके दोस्तों मोटा मोटा मानेंगे तो आप सात हजार नौ सौ इक्यावन पद यहाँ पर निकाले गए हैं एज क्राइटेरिया की बात कर लें यहाँ पर तो अठारह से छत्तीस ईयर जो है इसके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है इसके लिए जो एग्ज़ाम फी है वो पाँच सौ रुपये है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एसटी एस वालों के लिए ढाई सौ रुपये यहाँ पर जो है एग्ज़ाम फी रहेगा उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें यहाँ पर दो स्टेज में जो आपका एग्ज़ाम होगा एक होगा सी बी वन फिर दूसरा आपका सी बी टू फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल आपका होगा ठीक है इसके बाद जो है आपका प्रोसेस होगा यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज वन जो आपका रहेगा वो आपका नाइन्टी मिनट में आपको पेपर देना रहेगा ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन सौ रहेगा जो कि सी बी टी वन रहेगा सिलेबस देख सकते हैं आप लोग उसमें यहाँ पर जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ये आपके जो शॉर्ट टॉपिक पे आपका जो एग्ज़ाम होगा ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं करके कि नंबर आप क्वेश्चन कितने रहेंगे आपको किससे किस रिलेटेड किस रहेंगे तो यहाँ पर ये सारा आप स्क्रच के छोड़ सकते हैं यहाँ पर जो सारा कुछ लिखा हुआ है आपका ठीक है थर्टी पच्चीस पंद्रह तीस इस टाइप का जो है का वो पैटर्न रहेगा उसका उसके बाद आपका सी बी टू स्टार्ट हो जाएगा आपका जो जो, जो क्वालीफाई होंगे सी बी टू सी बी टू में एक सौ बीस मिनट का कुछ, आपका का एक सौ बीस मिनट का एग्जाम रहेगा डेढ़ सौ क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक जो है सारे आपके बेसिक वही टॉपिक रहेंगे आपको देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़ जाएगा आपका यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटी बढ़ जाएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको ताकि दिख जाए आपको कि सी बी टी टू में कितने क्वेश्चन क्या क्या पार्टीशन रहेगा आपका और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए तो आपका डिग्री होना चाहिए आपका जिसमें भी निकला हुआ है आपका उस स्ट्रीम में आपका डिग्री बी आप बी टेक आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए आपका तब आप इसके लिए एलिजिबल है भरने के लिए दोस्तों इसको अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा वहाँ जाकर चेक कर लीजिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद